Hello everyone, welcome to our YouTube channel RN Study Success Point. Hello दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल RN Study Success Point पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में किए थे, एक्सरसाइज 1.4 का पूरी किए थे, उससे पहले 1.3 किए थे, ठीक है बच्चों, सॉरी 1.3 किए थे, 1.2 किए थे, 1.1 किए थे, ठीक है बच्चों। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 1.5 करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.5 में देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 में है बच्चों, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल, यानी कि ये जो हमें नंबर दिया हुआ है ये बताना है रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर, ठीक है बच्चों। और आप लोग को समझ में, यानी कि ये रेशनल इरेशनल। देखो बच्चों, हम बताए थे इंट्रोडक्शन वीडियो में, हम आप लोग को बताए थे कि इरेशनल नंबर क्या होती है, रेशनल नंबर क्या होता है, ठीक है बच्चों। तो हम बताए तो उसमें जो दो रेशनल नंबर होता है उसकी जो डिफरेंस, यानी कि रेशनल माइनस इरेशनल। देखो ये 2 जो है बच्चों, ये क्या है, रेशनल नंबर है, ये क्या है, रेशनल नंबर है, क्या है, रेशनल नंबर। और रूट 5 जो है बच्चों, वो क्या है, इरेशनल नंबर, क्या है, इरेशनल नंबर। तो रेशनल माइनस इरेशनल क्या होता है बच्चों, इरेशनल, क्या होती है, इरेशनल। अगर जो आप लोग बच्चों इंट्रोडक्शन वीडियो अभी तक नहीं देखे तो वो जाके देख लो, उसमें बिल्कुल अच्छी तरीके से हम समझा रखे हैं कि कौन सी इरेशनल होगा, क्या इरेशनल होगा, ठीक है बच्चों। तो ये इरेशनल नंबर हो गया, आ रहा है बच्चों समझ में। तो फर्स्ट जो है वो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। सेकेंड में देखो बच्चों क्या है, सेकेंड में 3+√23 ये ब्रैकेट में है, -√23, ठीक है बच्चों। ये ब्रैकेट हटाएंगे बच्चों तो ये क्या हो जाएगा, 3+√23 -√23। देखो बच्चों ये कट गया, बच गया 3। अब 3 हमारा क्या है बच्चों, रेशनल या इरेशनल है, जल्दी बताओ, रेशनल नंबर है, क्या है, रेशनल नंबर है। आ रहा है बच्चों आप लोग को समझ में, ठीक है। तो ये हमारा जो सेकंड है ये क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। थर्ड में देखो बच्चों क्या था, थर्ड में था बच्चों 2√7/7√7, ठीक है बच्चों। देखो यहां से √7 से √7 कट जाएगा बच्चों। अगर जब वैसे आप लोग को और नहीं समझ में आ रहा तो थोड़ा रेशनलाइज भी कर सकते हैं इसे हम। देखो 7√7 रेशनलाइज करने के लिए क्या बताए थे बच्चों, जितना आता उतना से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 7√7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7√7 से मल्टीप्लाई करेंगे। आ रहा है बच्चों आप लोग को समझ में, 7 × 2 = 14, √7 को √7 से करेंगे 7, तो 14 × 7 = कितना हो जाएगा बच्चों, 14 × 7 = यस 98, 7 × 7 = 49, 49 × 7 = 49 को 7 से मल्टीप्लाई करो बच्चों, देखो क्या जाएगा, 9 × 7 = 63, 7 × 4 = 28, यस आ रहा बच्चों। तो ये रेशनल नंबर हो गया ना, ये क्या, यहाँ से √7 से √7 कट जाता, 2/7 आता, यहाँ से भी देखो बच्चों 2/7 ही आएगा, काटो इसे, ठीक है, 49 से ये जा रहा है, ये 7 पे, 2 पे, ये 7 पे आ रहा बच्चों। तो वहां से ऐसे करो, ये क्या जाएगा, रेशनल नंबर, क्या हो गया बच्चों, रेशनल नंबर। आ रहा है आप लोग को समझ में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब 4th देखो बच्चों, 4th बच्चों क्या था, 1/√2, देखो 1/√2 क्या बच्चों, ये रेशनल नंबर, इरेशनल है, क्या बच्चों, इरेशनल नंबर है, क्योंकि देखो 1/√2 की रियल वैल्यू नहीं हो सकती है। आ रहा है बच्चों समझ में, क्योंकि ये 1 रेशनल है, ये इरेशनल है, तो रेशनल माइनस इरेशनल डिवाइड करेंगे बच्चों तो इरेशनल हो गया। आ रहा है समझ में, वी 2π, देखो बच्चों पाई की जो वैल्यू है वो फिक्स नहीं है, इस वजह से 2 × π जो हम बोल सकते हैं, इसकी रियल वैल्यू नहीं हो सकती है, इस वजह से ये इरेशनल नंबर है। किस वजह से इरेशनल नंबर है, क्योंकि इसकी रियल वैल्यू जो है बच्चों वो नहीं होगा, और इस वजह से ये जो है इरेशनल नंबर है। तो आया आप लोग को समझ में बच्चों, इस तरह से आप बहुत सारे और क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करना इस तरह से, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि जो, देखो बच्चों हमेशा ध्यान रखना, हम लोग फर्स्ट वीडियो में कराए थे, रेशनल प्लस इरेशनल हमेशा इरेशनल होगा, रेशनल माइनस इरेशनल हमेशा इरेशनल होगा, रेशनल मल्टीप्लाई इरेशनल इरेशनल होगा, और रेशनल को डिवाइड करेंगे या डिवाइड इरेशनल तो मे बी रेशनल और इरेशनल, ठीक है बच्चों। हम इंट्रोडक्शन में करा रखे तो आप लोग करना। नेक्स्ट देखो बच्चों हमें सिंप्लीफाई, क्वेश्चन नंबर 2nd में जो है बच्चों, सिंप्लीफाई इच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ये जो सारे एक्सप्रेशन इसे सिंप्लीफाई करना है, यानी कि सोल्व करके इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है बच्चों। तो देखो इसकी सोल्व एक एक करके फर्स्ट पार्ट में करते हैं। देखो बच्चों सेकंड का जो फर्स्ट था बच्चों, किसका, सेकंड का फर्स्ट में था बच्चों 3+√3, इसे मल्टीप्लाई करना है 2+√2 से,
आ रहा है बच्चों आप लोग के समझ। देखो ए प्लस बी ये कुछ फॉर्मूला नहीं रहा, ए बी सी डी अलग है। तो इसमें क्या करेंगे बच्चों, पहले थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे टू प्लस रूट टू को, फिर प्लस रूट थ्री को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों टू प्लस रूट टू से। आ रहा है बच्चों आप लोग को समझ में, थ्री टू जो सिक्स हो गया बच्चों, थ्री को रूट टू से करेंगे थ्री रूट टू हो गया बच्चों, रूट थ्री को टू से करेंगे बच्चों टू रूट थ्री हो गया। ठीक है बच्चों, रूट थ्री को रूट टू से करेंगे बच्चों क्या आ जाएगा, रूट सिक्स हो जाएगा। आ रहा है बच्चों समझ में? आ रहा है आप लोग को समझ में? ठीक है, यहां से देखो क्या आ जाएगा, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है बच्चों, यानी कि सिक्स थ्री रूट टू, यहां से देखो क्या हो गया बच्चों टू रूट थ्री। ठीक है, ये आंसर हो गया। आ रहा है आप लोग को समझ में? ठीक है बच्चों, अब देखो हम लोग बच्चों इसका सेकेंड पार्ट करेंगे। सेकेंड पार्ट करेंगे, सेकेंड में देखो क्या था बच्चों, सेकेंड में आपको क्वेश्चंस यहाँ पे अगर जो हम बात करें तो क्वेश्चंस आपको दिखाते हैं। देखो क्या था सेकेंड का क्वेश्चंस, यहाँ लिखते हैं। ठीक है बच्चों, सेकेंड का क्वेश्चंस लिखते हैं, थ्री प्लस रूट थ्री, थ्री माइनस रूट थ्री। ये देखो बच्चों किसके फॉर्म में हो रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी। देखो बच्चों ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आ रहा है बच्चों आप लोग को समझ में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे बच्चों हम लोग क्या करेंगे, थ्री का स्क्वायर माइनस रूट थ्री का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, थ्री का स्क्वायर क्या आ जाएगा नाइन, और रूट थ्री का स्क्वायर क्या आ जाएगा बच्चों थ्री, नाइन माइनस थ्री क्या आ जाएगा बच्चों सिक्स आंसर आ गया इसका। आ रहा है आपको समझ में? ठीक है, ये हो गया ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि थ्री का ए हमारा थ्री था तो थ्री का स्क्वायर रूट थ्री का स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर नाइन रूट थ्री का स्क्वायर थ्री, नाइन माइनस थ्री सिक्स हो गया। ठीक है बच्चों, ये था क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखो आप लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड में था बच्चों रूट फाइव प्लस रूट टू का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो देखो ये फॉर्मूला पे किसके पे हो रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे क्या होता है बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ठीक है बच्चों, तो इस पे हम कर देंगे, तो यानी कि करेंगे रूट फाइव का होल स्क्वायर प्लस रूट टू का होल स्क्वायर प्लस टू इंटू रूट फाइव इंटू रूट टू। ठीक है बच्चों, रूट फाइव का स्क्वायर क्या जाएगा बच्चों फाइव, रूट टू का स्क्वायर टू। हमेशा बच्चों रूट का जो स्क्वायर होगा तो रूट हट जाएगी, वही नंबर होगा। ठीक है बच्चों, प्लस फाइव टू जा टेन क्या जाएगा बच्चों टू रूट टेन, फाइव प्लस टू कितना जाएगा सेवन प्लस टू रूट टेन। ठीक है बच्चों, ये आंसर आ गया। आ रहा है आप लोग को समझ में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे इसे हम कर दिए। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ठीक है बच्चों, यानी कि रूट फाइव का स्क्वायर प्लस रूट टू का स्क्वायर प्लस टू इंटू ए बी, यानी कि टू ए हमारा रूट फाइव था बी रूट टू था। ठीक है बच्चों, ये फाइव प्लस टू सेवन हो गया, यहाँ पे आ गया आंसर। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन बिल्कुल ईजी था, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, आराम से कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर फोर्थ हम लोग देखेंगे रूट फाइव माइनस रूट टू, रूट फाइव प्लस रूट टू। देखो बच्चों ये a माइनस बी ए प्लस बी, ये भी सेम फॉर्मूला हो गया इसके जैसा, a प्लस बी ए माइनस बी। आ रहा है बच्चों आप लोग को समझ में? ठीक है, तो इसको भी इसी जैसा कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो यहां से करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि क्या आ जाएगा बच्चों, रूट फाइव का स्क्वायर माइनस रूट टू का स्क्वायर। ठीक है, रूट फाइव का स्क्वायर फाइव, रूट टू का स्क्वायर टू, फाइव माइनस टू थ्री। ठीक है बच्चों, ये आंसर हो गया। आ रहा है आप लोग को समझ में? ठीक है, उसके बाद बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो बच्चों ये हमारा जो है ये दोनों क्वेश्चन थर्ड जो हमें बताना है पाई जो है क्यों नहीं, तो पाई का जो ये वैल्यू हमें बच्चों बताना है। रिकॉल पाई डिफाइंड रेशनल सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल ऑफ द डायमीटर। देखो बच्चों मान लेते हैं क्योंकि वो इसकी वैल्यू पाई अपन सेवन है, बट इसकी वैल्यू जो एक्यूरेट में जो है वो फिक्स नहीं है, इसलिए जो है हमारा ये गलत है। ठीक है बच्चों, तो ये करके बताना, ये आप लोग कर लोगे। रूट नाइन अपॉन थ्री नंबर लाइन पे अभी जैसे बता रखे थे बच्चों रूट थ्री रूट फाइव। ठीक है, इस तरह से कर लेंगे ये भी। ठीक है, अगर जो वैसा होगा तो इस पर हम एक अलग थोड़ा लॉन्ग मेथड से करेंगे, तो अलग वीडियो लेके आएंगे आप लोग के लिए करना। ठीक है बच्चों, तो आज हम फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर फाइव करेंगे। ठीक है बच्चों, एक्सरसाइज इसी पार्ट में हो जाएगी खत्म। क्वेश्चन नंबर फाइव में देखो बच्चों क्या है, क्वेश्चन नंबर फाइव में देखो क्या रेशनलाइज द डेनोमिनेटर ऑफ द फ्लोइंग, यानी कि सबको रेशनलाइज करना है। तो फर्स्ट में क्या है बच्चों वन अपॉन रूट सेवन,
इसे रेशनलाइज रेशनलाइज करने का मतलब देखो बच्चों क्या होता है, सिंपल सी बात है, रूट जो डेनोमिनेटर में होता है ना वो नहीं होना चाहिए। आ रहा है बच्चों समझ में, यानी कि रूट डेनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए तो ये रेशनलाइज होगा। तो रूट डेनोमिनेटर में कैसे नहीं होगा बच्चों, इस तरह से करेंगे। देखो सबको क्या करता है, जो नंबर होता है उसी से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे रूट सेवन था इसे रूट सेवन से ही मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है बच्चों। क्या जाएगा रूट सेवन अपॉन सेवन, ये इसका आंसर हो गया। आ रहा है बच्चों समझ में, अगर जो वही बच्चों साइन चेंज होगा क्या होगा बच्चों, अगर जो साइन चेंज होगा, साइन चेंज होगा तो बच्चों उस केस में क्या करेंगे, ये तो फर्स्ट था बच्चों, ये सेकेंड, यानी कि वन रूट सेवन माइनस रूट सिक्स, ये साइन होगा बीच में बच्चों दो होगा तो हम साइन चेंज करके करेंगे, यानी कि इसे मल्टीप्लाई कर देंगे रूट सेवन प्लस रूट सिक्स से, फिर रूट सेवन प्लस रूट सिक्स, ठीक है बच्चों। आप देखो ऊपर तो यही आ जाएगा रूट सेवन प्लस रूट सिक्स, नीचे देखो बच्चों ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मेशन हो गया, तो ए माइनस बी ए प्लस बी किसका फॉर्मूला होता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है बच्चों, प्लस नहीं होगा, यानी कि रूट सेवन का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से माइनस रूट सिक्स का स्क्वायर। देखो बच्चों यहाँ से सोल्व करेंगे रूट सेवन का, यहाँ नीचे सोल्व करते हैं बच्चों, ठीक है, ये तो ऊपर रूट सेवन और ये रूट सिक्स बच ही जाएगा, और नीचे क्या जाएगा बच्चों सेवन माइनस सिक्स, सेवन माइनस सिक्स वन, यानी कि इसका आंसर आ गया बच्चों रूट सेवन प्लस सिक्स रूट सिक्स। आ रहा है बच्चों आप लोग को समझ में, आ रहा है या नहीं, देखो पहले यहाँ क्या किया, ये किया माइनस था तो प्लस से मल्टीप्लाई कर दिया, साइन चेंज कर देंगे, ये ध्यान रखना आप लोग को, ठीक है। यहाँ से कैलकुलेशन सोल्व किया ए स्क्वायर, हमेशा ध्यान रखना जब दो साइन होगा ना नीचे बच्चों बीच में डिच तो हमेशा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे अप्लाई हो, ठीक है बच्चों, हम वहीं से निकालेंगे। आ रहा है आप लोग को समझ में, ठीक है, बिल्कुल आराम से करा रहे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगा समझ में, जहां नहीं आएगा फिर हमें आए, आप कमेंट सेक्शन में करके हमें बता सकते हो, जो प्रॉब्लम होगा हम दोबारा बताएंगे, ठीक है बच्चों। अब एक क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर थर्ड में था बच्चों वन रूट फाइव प्लस रूट टू, ठीक है बच्चों, यहाँ प्लस है तीस बार माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि वन रूट फाइव प्लस रूट टू था बच्चों, इसे मल्टीप्लाई करेंगे रूट फाइव माइनस रूट टू से, रूट फाइव माइनस रूट टू से। आ रहा है बच्चों आप लोग को समझ में, यहां से देखो बच्चों क्या आ जाएगा, ये तो हो जाएगा रूट फाइव माइनस रूट टू, यहाँ पे जो बच्चों देखो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर रूट फाइव का स्क्वायर माइनस रूट टू का स्क्वायर। आ रहा है बच्चों समझो, यहाँ से रूट फाइव माइनस रूट टू, यहाँ रूट फाइव का स्क्वायर फाइव और रूट टू का स्क्वायर टू, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा बच्चों रूट फाइव माइनस रूट टू अपॉन थ्री, ये आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। आ रहा है आप लोग को समझ में, ये था इसका लास्ट क्वेश्चन है देखो बच्चों फोर्थ, फोर्थ में वन अपॉन रूट सेवन माइनस टू, ठीक है बच्चों। इस कंडीशन में देखो क्या होगा, सेम वही जो हम लगाए थे, कुछ नहीं था रूट सेवन माइनस टू, तो पहले लिखेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे रूट सेवन प्लस टू से करेंगे, ठीक है बच्चों रूट सेवन प्लस टू, ये ध्यान रखना हमेशा साइन चेंज होगा, तो यहां से जब साइन चेंज करेंगे बच्चों तो क्या जाएगा, ऊपर तो रूट सेवन प्लस टू ही होगा, नीचे क्या आ जाएगा बच्चों रूट सेवन का स्क्वायर सेवन, और देखो प्लस माइनस रूट टू का माइनस टू का स्क्वायर, रूट टू नहीं था ये, तो यहां से देखो बच्चों यहां रूट सेवन का स्क्वायर लिख देते आगे स्टेप में करेंगे, यानी कि रूट सेवन प्लस रूट टू अपॉन रूट सेवन का स्क्वायर बच्चों सेवन और टू का स्क्वायर फोर, यानी कि रूट सेवन प्लस रूट टू अपॉन थ्री, ये आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये उम्मीद करते हैं आप लोग का ये सेशन बहुत अच्छा रहेगा और आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से समझेंगे, इसमें कुछ नहीं था, रेशनलाइज करना था, सिंप्लीफिकेशन करना था, ठीक है बच्चों। और अगर जो आपका कोई और अदर बुक से सोल्व कर रहे हो एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में करके बता सकते हो, आपका पूरी सोल्यूशन उसमें दिया जाएगा, और आप हमारे फेसबुक पेज पे भी वहां पे भी आप हमें बता सकते हो, वहां से भी आपका सोल्यूशन तुरंत क्विक मिलेगा, ठीक है बच्चों। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।